हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आईएलएस प्लाजा। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले जो आईएलएस के एग्जाम है वो कैसे हो सकते हैं। तो अगर आप भी अपना जो आईएलएस का एग्जाम नेक्स्ट डेट को फिल करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चा पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप सही सोर्स पर आ चुके हो, जहां पर आपको लिसनिंग रीडिंग का जो एक्चुअल एग्जाम का मटीरियल है वो मिल जाएगा। हर रोज आपको जो रियल एग्जाम की लिसनिंग होती है वो प्रैक्टिस के लिए मॉर्निंग में प्रोवाइड करवाई जाती है, रीडिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है, और जो आज वाली रीडिंग है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जाकर कर सकते हैं। और भी ऐसा जो मटेरियल है हमारे चैनल की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। कोई भी चैनल आपको पैसा लेकर भी नहीं देने वाला, ना ही कोई इंस्टीट्यूट वाला, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल, राइटिंग के टेम्पलेट, राइटिंग के आइडियाज का पीडीएफ और स्पीकिंग के जो न्यू क्यू कार्ड होते हैं जो पीडीएफ में नहीं होते, ये सारा जो मटेरियल होता है वो फ्री होता है उन बच्चों के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आईएलएस के एग्जाम है वो इजी कम होंगे, आने वाले जो आईएलएस के एग्जाम है वो इजी होंगे, मॉडरेट होंगे या फिर डिफिकल्ट होंगे। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी के टाइम में जो आईएलएस के एग्जाम चल रहे हैं ये इजी ही हैं। जी हाँ, अभी के टाइम में जो आईएलएस के एग्जाम है ये काफी इजी चल रहे हैं, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग के मॉड्यूल का रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है। 80-90% सक्सेस रेट है बच्चों का, क्योंकि रीडिंग ट्रिकी आ रही है, रीडिंग आपको थोड़ा सा उलझा रही है, बट रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है। राइटिंग और स्पीकिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपका टास्क वन टास्क टू आपको जो डिफिकल्ट आ रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट उन्होंने अपनी जो राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी सी मार्किंग ही टाइट करके रखी हुई है। अगर आप राइटिंग और स्पीकिंग में अपना जो स्कोर, डिजायर्ड बैंड स्कोर लेना चाहते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। राइटिंग की अगर हम बात करें, राइटिंग में आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग में अगर आप कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस अपने राइटिंग टास्क वन टास्क टू में अगर आप यूज करते हो तो मानकर चलो कि आपका हाफ बैंड तो इंक्रीज होगा ही होगा। अगर आप काफी अच्छे तरीके से यूज कर लेते हो तो आपका जो ज्यादा बैंड स्कोर भी इंक्रीज हो सकता है। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अभी के टाइम में आईएलएस कर रहे हैं उन टीचर से कहिए कि सर हमें कंप्लेक्स कंपाउंड कैसे यूज करने हैं राइटिंग में, तो प्लीज हमें सिखा दीजिए, क्योंकि ये जो चीज है वो आपको काफी बेनिफिट देगी, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा सही कर रहे हैं, आप आइडिया भी एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बट उन्होंने मार्किंग टाइट करके रखी हुई है। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, राइटिंग को इम्प्रूव करना होगा, कंप्लेक्स कंपाउंड यूज करो। तो ऐसे और भी कई ज्यादा सोल्यूशन होते हैं जो हम आपके साथ आगे चलकर शेयर करते रहेंगे। कंप्लेक्स कंपाउंड अपने जरूर से इंक्लूड कर लो अपनी राइटिंग में तो आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें स्पीकिंग की, स्पीकिंग में क्या चल रहा है, स्पीकिंग में भी अगर आप मानकर चलो कि जो मार्किंग है वो टाइट है, बट राइटिंग के कंपेयर थोड़ी सी इजी है, स्पीकिंग में बैंड स्कोर फिर भी आ जाता है। तो स्पीकिंग के लिए आप एक तो ईडीएम यूज कर सकते हो, और दूसरा जो आपका स्पीकिंग का मॉड्यूल है वो टोटली डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पर। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो आईएलएस की स्पीकिंग दे सकते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बैंड स्कोर है वो 6 से कम नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप अपना जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप अभी के टाइम पर बीबी कोड एप्लीकेशन की हेल्प ले सकते हैं। बीबी कोड एप्लीकेशन रियल एग्जाम की तरह आपका जो आईएलएस का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आपको बैंड स्कोर दिए जाते हैं, उसका जो सही आंसर वो क्या हो सकता है, उसके आपने कौन सी जो मिस्टेक की है वो भी आपको बताएगा। और कुछ बच्चों को स्कैत ये होती है कि सर बेबी कोड एप्लीकेशन सही तरीके से बैंड स्कोर नहीं देता, तो देखो यार जो बेबी कोड एप्लीकेशन है वो एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है, वो ह्यूमन नहीं है, थोड़े मोटे फॉल्ट तो उसमें होंगे, बट अभी के टाइम में अगर आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज करना चाहते हैं तो बेबी कोड से बेस्ट आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों के पास कोई घर में उनका स्पीकिंग लेने वाला नहीं होता, उनकी सिस्टर ब्रदर नहीं होते, तो बेबी कोड एप्लीकेशन की यूज आप कर सकते हैं। आप देखना कि जब आप 10-15 दिन बेबी कोड एप्लीकेशन को यूज करोगे, उसके बाद जब आप अपने इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी जो स्पीकिंग देंगे तो आपकी फ्लुएंसी जो बढ़ने लगेगी, ये आप रियलाइज करोगे। तो बेबी कोड का अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं, उसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया, तो आप स्पीकिंग को इंक्रीज, स्पीकिंग में बैंड स्कोर इंक्रीज करने के लिए, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए तो आप बेबी कोड एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो आईएलएस के एग्जाम ईजी ही चल रहे हैं, राइटिंग के लिए थोड़े से एफर्ट आपको करने होंगे, बेबी कोड आप यूज कर सकते हैं स्पीकिंग के लिए, और भी जो सोल्यूशन आपकी राइटिंग और स्पीकिंग के लिए मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, ऐसे अपना जो प्यार है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आईएलएस प्लाजा के साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच अगेन।